नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी अपडेट दें नया, तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा आराम से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे मोटर के अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्यों किए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्टार और डेल्टा कनेक्शन के वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं कि कैसे किए जाते हैं। ठीक है, स्टार कैसे किया जाता है, डेल्टा कैसे किया जाता है, और डबल डेल्टा जो होता है, डबल तार निकाला जाता है डेल्टा कनेक्शन से, वो कैसे किया जाता है समरसिबल मोटर पे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे तरह से। डायग्राम द्वारा और प्रैक्टिकली मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आज हम आपको बताएंगे, पहले समरसिबल का बता देते हैं। समरसिबल मोटर में क्या कारण है कि ये दो कनेक्शन दिए जाते हैं, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो मैंने दो यहाँ पे छोटे छोटे तारों के डायग्राम टाइप बना रखे हैं। तो इस तरह से होते हैं स्टार डेल्टा। ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा का है सिंबल है, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये स्टार का है। तो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, इनको अलग करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब बनाते हैं हम स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये स्टार का न्यूट्रल पॉइंट है। ये डेल्टा का है सिंबल और ये स्टार का है। अब देखिए दोस्तों, स्टार और डेल्टा में पहले तो मैं आपको अंतर समझा दूं। अंतर ये है कि जो स्टार कनेक्शन है उसमें होता क्या है कि मोटर के अंदर यहाँ पे तीन सेट बने हैं, 1 2 3, तीन सेट मोटर के अंदर होते हैं। थ्री फेज के मोटर में कनेक्शन करते हैं ना, तो तीन सेट होते हैं, 1 2 3 1 2 3, और सभी सेट के दो दो तार होते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2, 1 इस सेट का 1 2, इस सेट का 1 2, इस सेट का 1 2, इस तरह से। तो जो स्टार कनेक्शन होते हैं उसमें तो तीनों सेट के एक एक तार ले लेते हैं, टोटल 6 तार हैं, तो तीनों को एक एक लेकर, तीनों में से एक एक सेट के एक एक तार लेके, तीनों सेट के
और उसको आपस में जोड़ दिया जाता है बीच में, और एक न्यूट्रल बना दिया जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रल अंदर ही रहता है, इसमें कोई तार नहीं जुड़ता है, एक जोड़ होता है। बाकी बचे तीन तार होते हैं जिसमें हम तीन फेस डालते हैं, फेस नंबर 1, 2, 3। ठीक है, इसको आप आर वाई बी बोल सकते हो। वाई आपको थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आर वाई बी, इसमें भी इसी तरह से होते हैं, आर वाई बी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, स्टार के अंदर तीन पॉइंट हैं, आर वाई बी, बीच के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, न्यूट्रल हैं। ठीक है, और इसमें भी तीन पॉइंट है, आर वाई बी, ये तीन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फेस दिए जाते हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3। कैसे भी करके दे सकते हैं, उल्टा सीधा इसमें भी कैसे भी करके दे सकते हैं। तो दोनों ही कनेक्शन में तीन तीन फेस, थ्री फेस की मोटर है तो तीन तीन फेज। बट डिफरेंट ये है स्टार एंड डेल्टा में, कि जो स्टार कनेक्शन है इसमें हम यहाँ पे देखिए 220 वोल्टेज डालते हैं इस साइड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम 220 वोल्टेज डालते हैं। यहाँ पे भी हम 220 वोल्टेज डालते हैं और यहाँ पे भी हम 220 वोल्टेज डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा में 220 वोल्टेज डालते हैं, यहाँ पे भी 220 और यहाँ पे भी 220। ठीक है, स्टार के अंदर होता क्या है, स्टार के बारे में, यहां से हमने 220 वोल्टेज डाला। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 220 वोल्टेज डाला, तो इसमें इस क्वाइल को एक एक सेट को सॉरी एक सेट को यहां से हमने 220 डाला, यहाँ पे न्यूट्रल है तो एक सेट को यहाँ पे टोटल 220 वोल्टेज मिलते हैं। 220 वोल्टेज एक सेट को, पर सेट, इस सेट को भी 220 मिलते हैं स्टार में, इस सेट को भी 220, इस सेट को भी 220 ही मिलते हैं। ठीक है, जबकि डेल्टा के अंदर हमने यहां से 220 डाले इस साइड से, सेट का एक तार यहां पे है इस सेट का, और एक तार यहां पे, यहां से भी 220 डाले, तो यहां पे डबल डल रहे हैं, 220 इधर से डल रहे हैं, 220 इधर से डल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डबल करंट मिला है हर सेट को, यहां से भी करंट मिल रहा है सेट को, यहां से भी करंट मिल रहा है, एक तार ही सेट का ही है, एक तार ये है, तो यहां पे 440 वोल्टेज पर सेट मिल रहा है, मतलब स्टार में 220 पर सेट मिल रहा है, यहां पर सेट 440 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब करंट यहां पे डबल मिल रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। अब किए क्यों जाते हैं, किए इसलिए जाते हैं, कई मोटरें होती हैं, समरसीबल के बारे में बता देता हूं, कई मोटरें होती हैं, 7.5 HP की, 10 HP की होती है, 15 HP की होती है, उससे बड़ी भी होती है। ठीक है, कारण यह है कि उनकी जो वाइंडिंग होती है उसी को देखकर ये कनेक्शन करते हैं। मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, एक मोटर की वाइंडिंग है जिसके अंदर जो सेट है वो 220 वोल्टेज का बनता है। ठीक है, ये एक सेट है एक मोटर का जो कि 220 वोल्टेज का है, और एक दूसरी मोटर है जिसका
एक सेट 440 वोल्टेज का है, तो इसमें डिफरेंट क्या है? जो 220 वोल्टेज का जो सेट है उसमें डेटा का फर्क है और 440 वाले में डेटा का फर्क है, ठीक है। दोस्तों जो ये 220 वोल्टेज का जो सेट है, ठीक है, ये वाला है, इस मोटर का है स्टार और 440 वाला डेल्टा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब 220 वाला सेट और 404 वोल्ट वाला सेट, इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है, कैसे पता करें कि कौन सा सेट क्या है? तो देखिए, एक सेट तो है, एक मोटर का सेट तो है, ठीक है, एक मोटर का सेट है जिसके अंदर गेज जो है वो मोटा है, ठीक है, एक के अंदर है पतला गेज, तो एक मोटर के अंदर है पतला गेज है और उसके अंदर पतला गेज होने के साथ साथ जो टर्न है वो भी ज्यादा है, टर्न भी ज्यादा है और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर तार जो गेज है वो पतला है, टर्न उसके ज्यादा है, नंबर तीन रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका ज्यादा रहेगा और रेजिस्टेंस के साथ साथ अब ये चीज देखेंगे तो एम्पियर कम खाएगी, क्योंकि पतला तार है, टर्न भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो एम्पियर यहां पे कम लेगी। एम्पियर कम लेगी, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई सेट होगा मोटर के अंदर, तो दोस्तों इस तरह का जो सेट है जिसमें तार पतला है, टर्न ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और कम एम्पियर का जो सेट है, उसके अंदर हम फिर डेल्टा कनेक्शन करेंगे, डेल्टा कनेक्शन हम उसमें देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर हम इसको देंगे। अगर इसमें हम स्टार कनेक्शन देते हैं तो मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, टर्न भी यहाँ पे ज्यादा किए गए हैं और एम्पियर जो है वो भी बहुत कम लेगी फिर मोटर पहले सेट, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डेल्टा कनेक्शन, ये है 440 वोल्ट का सेट, ये 440 वोल्ट का ये वाला सेट है, ये वाला। अब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा किसी सेट के अंदर, किसी मोटर के सेट, एक दूसरी मोटर है जिसके अंदर सेट डाले गए, उसमें तार मोटा है, यहाँ पे बता रहा हूँ, नंबर वन गेज जो है मोटा है, नंबर टू मोटा गेज, ठीक है, पहला वन, नंबर टू टर्न जो है वो कम है, टर्न जो है वो कम है, नंबर थ्री रेजिस्टेंस जो है वो कम है, रेजिस्टेंस कम है और एम्पियर ज्यादा ले रही है, एम्पियर मोटर बहुत ही ज्यादा ले रही है, उस कंडीशन में हम उसमें स्टार कनेक्शन करेंगे, स्टार कनेक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो सेट है, इस तरह का जो सेट है वह 220 वोल्टेज का सेट है। अगर हम इसमें स्टार की जगह डेल्टा कनेक्शन देते हैं तो हमारी मोटर ज़्यादा एम्पियर लेगी और बहुत ज़्यादा एम्पियर लेगी और हमारी मोटर बहुत ही जल्दी जल जाएगी हीट होकर, ठीक है। तो ये फर्क है,
अब मोटर को आप पहचान सकते हो, थ्री फेज की जो मोटर है उसको आप पहचान सकते हो इस तरीके से, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो जो इस तरह का सेट है वो 440 वोल्टेज का है, जिसमें पतला गेज है, ट्रन ज्यादा है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो जो जो कि सेट एम्पियर भी कम ले रहा है, उसमें हम डेल्टा कनेक्शन देंगे। डेल्टा कनेक्शन देने पे क्या होगा, 440 वोल्टेज उसमें दौड़ेगा इस तरह से, एक सेट में 440 वोल्टेज जाएगा 220 यहाँ से, 220 यहाँ से। ठीक है, और मोटर हमारी ठीक स्पीड पर चलेगी, लेकिन अगर इसका उल्टा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन दिया जाएगा। अगर गेज मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, गेज मोटा रहेगा तो, या फिर टर्न भी कम है तो भी ये दिक्कत होगी। ठीक है, वो एम्पियर हमारा जो सेट है वो ज़्यादा लेगा, तो फिर स्टार कनेक्शन किए जाते हैं। ये दो काम है, ये जो चीज़ें मैंने दो बताई है, ठीक है, बस ये दो चीज़ें ही नहीं के ऊपर मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे करते हैं समर्सिबल मोटर के अंदर, और स्टार और डेल्टा इंडक्शन मोटर के अंदर भी किए जाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर मोटर होती है, बड़ा बड़ा लोड का कार्य करती है उस पर, तो उन मोटरों के अंदर स्टार और डेल्टा, समर्सिबल में तो स्टार और डेल्टा अंदर ही बना दिए जाते हैं, बाहर तीन तार निकाल दिए जाते हैं अंदर बना के, ठीक है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है, जो कंपनी की मोटर होती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि 6 के 6 जो तार हैं, सेट के 6 के 6 तार, जैसे एक सेट है उनके 6 के 6 तार हैं, यहाँ पे हमने अंदर ही जोड़ दिए हैं, तीन बना के बाहर निकाल दिए, वहाँ पे 6 के 6 बाहर निकाले जाते हैं, और बाहर निकाल के फिर उसको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है स्टार्टर द्वारा, और पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में चलाते हैं। तो उसका भी एक कारण है स्टार में और डेल्टा में चलाने का, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मोटर को स्टार और डेल्टा में क्यों चलाते हैं, पहले स्टार में चलाते हैं स्टार्टिंग में और फिर डेल्टा में चलाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।